जुगाड़बाजी गाइज। नहीं, यहां से तो क्लियर आ रही। मेरे पास दो दो डोंकी की पॉटीज यार, मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली। नहीं सकते, साफ भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक फनी चीज दिखाती हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं अब। ये देखो, ये कितनी ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रही नंदी। यार मेरे होने लगा था पैर में दर्द, तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर। ओके, बट आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो सर। ये हमारी दीदी, यहाँ मम्मी बैठी है, शायद आपको क्या? ये हमारे मस्त से बॉडी बिल्डर भैया, बारात यहाँ पे आ चुकी है और हमारी मम्मी। अब निकल गए हम लोग घर के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड होपफुली आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों की दुआ से ही अच्छी हूँ और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत जल्दी ही मेरे 300 के हो जाएंगे, अभी 250 के होने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज टू ऑल ऑफ यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अभी मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि कुछ था नहीं करने के लिए एक्चुअली। अभी हमको जाना है एक फंक्शन में, तो उसके लिए रेडी होना। अभी तो मैंने नहाया वाया कुछ भी नहीं है। अभी मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी क्योंकि कल मैंने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाया था। आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा मेरा, तो उसमें आपने सुना होगा कि मैंने कल इन बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाया था। तो अभी मैं इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और आज मैं इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही थी। अभी 5 बजे इनकी छुट्टी करूँगी, तो ये सारे के सारे यहीं पर मैं आपको मिलवाती हूँ सब लोगों से। ठीक है, आ जाओ, आओ जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लवी आ जा बेटा, ये देखो। ये देखो, ये शर्मा रही है, ये आ नहीं रही है। तो लवी उसको, मतलब ये पीछे वाली भी लवी है, ये आगे वाली भी लवी है। तो उसको उठा के ला रही है, रहने दे, वो नहीं आ रही। तो ये मेरे, ओ मार दिया उसके, कॉटन बाबू, कॉटन का पैर पिज गया। ये रहे सारे के सारे बच्चे मेरे। अभी एक बच्ची आई नहीं है, वो देखो उसका पैर पिछ गया, वो प्यार कर रही है उसको। Oh my God! और ये रही हमारी कन्नू बाबू, कन्नू बाबू। इसके पास कुछ और काम नहीं है चाटने के अलावा। अब जल्दी पढ़ाई करो, चलो बैठो, बहुत देर हो गई मस्ती। तो मैंने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग मेरे व्लॉग में आना चाहोगे, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए कि हाँ मैं अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दूंगा अच्छा वीडियो में आके। ये हाँ 12 है, हाँ बोल बोल कर लिखो, याद करनी है जल्दी करो। हाँ क्या है ये? ये 1 है, 2 2 2 के बाद क्या आता है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 2 के बाद आता है 3। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से ट्यूशन पढ़ाने के बाद, जब मैं नहाने जाऊँगी उससे पहले मिल लूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए व्लॉग में बने रहिए, और अभी चैनल पर नए आए हूँ तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इसी तरह आप मेरे साथ में इन्जॉय करते रहें जिस तरह मैं अपनी लाइफ को कर रही हूँ एक लैग के साथ में। और ये देखो कितनी सारी बुक्स और नोटबुक्स मेरे पास में रखी हुई हैं, बच्चे मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो हम लोग मिलते हैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद। तो मैंने इन बच्चों को, इन बेवकूफ़ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया। मैं निकालने जा रही हूँ अपने नहाने के लिए कपड़े, एंड देन नहाने के लिए जाती हूँ, और मिलते हैं हम लोग नहाने के बाद। बाय बाय, आई एम गोइंग टू होम। क्या बोला तूने? ये देखो नंदिनी आई है छत पे से अभी, इतने सारे कपड़े लेकर, और ये नहा कर गई थी अभी। एक मिनट रुक जा बस, ये नहा कर गई थी, ये बाल्टी भी ले आई है कपड़े डालने गई थी। अपनी हालत देखो इसकी, जा जल्दी रख, जल्दी रख, जल्दी रख। इसके हाथ में दर्द हो रहा है, वो बोल रही है। ये देखो ये क्या कर रहा है बेवकूफ, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। जाओ चलो अब पढ़ लियो घर जाके। जुगाड़बाजी गाइज। ये मैं अपने हेयर्स कर्ल करने के लिए कर रही हूँ, नहा ली थी और मुझे करनी है अपने हेयर्स कर्ल। तो ये मैंने तरीका निकाला है, वैसे ये बहुत पुराना तरीका है, आप सब लोग पहले से ही जानते होंगे। और मेरे बालों को देखिए, कैमरा गंदा हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं यहाँ से तो क्लियर आ रही है एकदम, देख। है ना, बंद कर दो। मैं मिलती हूँ सारे हेयर्स को ऐसे कर्ल करने के बाद, फिर रिजल्ट दिखाती हूँ आपको कैसा आएगा। वैसे किया हुआ है मैंने ये पहले भी, लेकिन दिखाती हूँ आज भी आप लोगों को, ठीक है? तो गाइज मैंने एक साइड के ये देखो कर लिए हैं, ये देखो गधे की पॉटी जैसा बना लिया। मैंने यहाँ पे अब दूसरी साइड करके मिलती हूँ मैं आप लोगों से।
तो ये हो गए मेरी दूसरे साइड की भी। मेरे पास दो दो डोंकी की पॉटीज हैं, एक ये रही एक ये रही। ये देखो अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि कैसा होने वाला है। अब मैं डायरेक्ट मिलती हूँ आप लोगों से रेडी होने के बाद। अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं है कि पहनना क्या है, लेकिन जो भी पहनना होगा मैं दिखाई दूंगी आप लोगों को। तो मिलते हैं रेडी होने के बाद में। यार मैं रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा मेकअप बहुत 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 ज़्यादा हैवी हो गया है। घर वाले भी सब लोग बोल रहे हैं कि हैवी हो गया है। और अभी मैंने लेग तो नहीं लगाया और ये भी नहीं खोले हैं, क्योंकि ये एंड में खोलूँगी, क्योंकि थोड़ा देर तो रखना ही चाहिए। आप लोग बताना कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है क्या। वैसे स्किन टोन से तो बहुत अलग हो गया है, ये देखो मुझे ऐसी लग रही हूँ मैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हूँ। और ये नंदिनी का देखो, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है कि। हम लोगों की आउटफिट दिखाऊंगी मैं पहले, हम लोग तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। ये मेरा प्रोस्थेटिक लेग रखा है, ये रहा। और अभी मैं पैंट पहनती हूँ एंड बैली वगैरह डालती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट पूरी तैयार, बस मेरे हेयर्स रह गए हैं, बस मेरे हेयर्स रह गए हैं। मैं इनको खोलने वाली हूँ अब। और लुक है मेरा ये, और अभी ठीक से दिखाएंगे मतलब। और ये रही नंदिनी, ये अपना कर रही है व्लॉग शूट। जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हो तो। ओके तो मैं हेयर्स खोलने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ओके और मैं मम्मी को भी दिखाती हूँ। मम्मी 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 भी तो जा रही है हम लोगों के साथ में। लेकिन हे भगवान, ये रही मम्मी। और इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल, मतलब ये कभी पार्लर नहीं गई कोई, इनको मेकअप वगैरह इतना ज़्यादा पसंद नहीं। हाय हाय, इतना सुकून। तो इन्होंने सिंपल ही रखा है अपना लुक। और ये साड़ी पहनी है मम्मी ने। अनंत जा नहीं रहा है शादी में, तो वो बना रही है अन्ना के लिए चाय। तो मैं मिलती हूँ अपने हेयर्स को ये खोलने के बाद। आई होप आई विश के अच्छे से ही निकले ये लुक। सो हेयर्स माई फाइनल लुक गाइस। बाल थोड़े ऐसे करके आए हैं। हम सेटिंग स्प्रे ढूंढ रहे हैं घर में, लेकिन मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि इतने टाइम से उसको यूज़ नहीं किया, तो अभी वो मिल भी नहीं रही है। याद ही नहीं आ रहा है कहाँ पे रख दिया है। ये रही नंदिनी, ये है इसका फाइनल लुक। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अजीब और बहुत ही गंदा सा लुक लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब यार, अब जाना पड़ेगा। इसको धुल भी नहीं सकते, साफ भी नहीं कर सकते, तो बस अब यही है लुक। अब हम लोग शादी में जाते हैं एंड मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, ठीक है। कि कन्नू और कॉटन परेशान, ये मुझसे पूछ रही है हाथ से बार बार कि कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो। अब इसको मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ कहाँ जा रहे हैं। बाबू हम आ जाएंगे, खाना खाने के बाद आ जाएंगे, ठीक है, बैठ जाओ यहीं। और ये कॉटन तो मेरे पास ही लेट गई है, पूछ पूछ कर बेचारी थक गई, तो इसलिए यहीं पे लेट गई बेचारी। आई होप कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं आपको एक फ़नी चीज़ दिखाती हूँ, दिख ही रहा होगा वैसे आपको। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। हाँ भाई कैसी लगी। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर जहाँ हमको आना था। होपफुली आवाज़ आ रही हो आपके पास में, क्योंकि ठंड में आए हैं ऐसे स्कूटी से, तो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अन्ना छोड़ने आया, तो हम लोग जा रहे हैं अब अंदर। अन्ना लेकर के जा रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रही नंदिनी और हम लोग जा रहे हैं अब अंदर। तो मैं ब्राइड के पास पहुँच चुकी हूँ और ये रही हमारी ब्राइड। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मैं दिखाती हूँ ठीक से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो ये कितनी ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रही है। ओह माय गॉड, है इनका आउटफिट एज यू कैन सी गाइस। तो मैं ब्राइड से भी मिल चुकी हूँ और हम लोग ऊपर आ चुके हैं। मुकेश और मम्मी भी आ गए हैं यहाँ पर। होपफुली मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही हो। यहाँ गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकती यहाँ पर। बाकी मैं आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ। लोकेशन है, ये मैरिज होम है। और मैं आपको नीचे का भी दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। एंड अपना फुल आउटफिट मैं दिखा दूँगी आप लोगों को लास्ट में, नंदिनी हेल्प करेगी उसमें, तो मेरी मैं अकेले नहीं दिखा सकती। तो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। ओके okay?
देखो मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ये ब्राइड की सारे रिलेटिव्स हैं, ये बुआ जी चाची जी एंड ऑल। यार मेरे होने लगा था पैर में दर्द, तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर। क्या मैं आपको जानती हूँ? आप दी के रिलेशन में हो? नंदिनी को जानते हो? बहुत कम। ओके, बट आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, सच में बहुत प्रिटी लग रहे हो। ये हमारी दीदी जिनकी शादी है, उनकी बड़ी सिस्टर है ये, और बहुत प्यारी भी लग रही है ये। ओके, तुम जाओ, मुकेश की कॉल आ रही है। ओके ओके, ऊपर से नीचे उतर के आ चुके हैं हम लोग यहाँ। कॉपीराइट ना जाए, मुझे डर लग रहा है। मम्मी भी आ गई है यहाँ पे, और कुछ लोग। हाय, तुम कब आए? ये देखो, फिर से मिलो दीपिका से, नंदिनी के ब्लॉग में आप मिले होंगे। प्यारी लग रही है यार, और ये रही नंदिनी, इसको तो जानते ही हो तुम। दीपिका रितु जी, हेलो दीदी, ये है रितु जी हमारी। क्यों ये बात है, क्यों ना लो हम ले सबको ले। ये देखो हम लोगों का ग्रुप, देखो यार। तो हम लोग यहाँ मजा आया यार, मुझे ना बहुत तेज वाली भूख लगी है, बहुत ही तेज वाली, लेकिन अभी शायद खाना वाना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे स्टार्ट होता है मैं इतना भर भर के खाने वाली हूँ यार, पर पूछो मत। मिलते हैं खाने के टाइम पर। ओके, यहाँ मम्मी बैठी है, शायद आपको दिखे ना ठीक से। अभी थोड़ा सा खा लिया है, और ये देखो लिप्स की हालत से पता ही चल रहा होगा, खा लिया है थोड़ा सा, अभी और खाना है, अभी पेट भरा नहीं है। और ये छोटे से बच्चे का मुझे ख्याल रखना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी मम्मी गई हैं अपने लिए खाना लेने के लिए। हे इधर देखो बाबू, इसके चीक्स देखो कितने क्यूट से हैं। बाबू देखो, ये लो, ये देखो, क्या नाम है? रियांश। ये देखो इधर, ये देखो कितने क्यूट इसके चीक्स हैं यार, मोटू मोटू से। ओह माय गॉड, तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया है। इसकी हालत देखकर आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से, ये कैसे भर भर सब लोगों ने खा लिया है। अब बस हम लोग घर के लिए निकले। हाँ डीजे चल रहा है, भगवान करे कॉपीराइट ना आ जाए मेरी वीडियो पे यार। वो देखो कहाँ चला गया।
देखो कहाँ चला गया। अब बस हम लोग निकलेंगे घर के लिए, तो मिलते हैं जाते टाइम। अब निकल गए हम लोग घर के लिए, जा रहे हैं अब घर। और ये देखो यार, घाट पे चलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए प्रोस्थेटिक लेग के साथ में। और ये रही नंदिनी, और वो देखो पीछे डांस हो रहा है। बारात यहाँ पे आ चुकी है और हमारी मम्मी हमें ज़बरदस्ती घर भगा रही हैं। लड़का आ गया, अब लड़के को देख कर ही जाएंगे हम लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारे मस्त से बॉडी पुना है इनका। अरे आम है वो तो है ही है। नहीं नहीं, बॉडी बिल्डर है गाइस एक्चुअल। क्या बढ़िया था गुरु, मैं बॉडी बिल्डर है। ये बनने वाले बॉडी नहीं देख रहे हो क्या? ये मुकेश है। नमस्ते। हम लोगों से बदतमीजी करने से पहले सोच लेना ये बॉडी बिल्डर है हमारे। एक दूसरे में उड़ा के उड़ते जा रहे हैं। मेरे बाल उड़ते जा रहे हैं, थोड़ा बताओ यार। अभी इसने अपने लिए यहाँ पे हम लोग मिले अपनी पुरानी फैमिली से बहुत टाइम बाद। ये है हमारी चाची जी और इनकी वाइफ है ये अमित चाचू। ये अमित चाचू है और ये ना निखिल। रश्मि दीदी इसमें देखेंगी, इन्हीं की भतीजी है वो। उनको भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो ठीक है। और ये निक्कू है, ये रश्मि दीदी का भाई है, मतलब हम पूरा खानदान है। ओके देन, मिलते हैं घर पर पहुँच कर। ओके बाय बाय। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, बहुत इन्जॉय किया, और होपफुली आप सब लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा इस व्लॉग को। सो घर पे आ गई हूँ। कैंडी कॉटन ने बहुत ज़्यादा प्यार भी कर लिया है मेरे को और नंदिनी को भी। ये रही नंदिनी। तो इसी के साथ मैं यहीं पर करती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि अब घर करने के लिए कुछ है नहीं और बज चुके हैं रात के 11। तो अभी व्लॉग तो आपको कल ही मिलेगा, क्योंकि मतलब कि एडिट भी करना है एंड देन अपलोड करना है। सो उसमें टाइम ही लग जाएगा, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है मैं जानती हूँ। तो ये व्लॉग मिलेगा आपको कल, तब तक के जो पिछले व्लॉग्स हैं उनको देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।